वेलकम टू एसएससी मैडी जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है और जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है इस नोटिस में, उससे बहुत से लोगों को शॉक लगा है। क्या एसएससी में सच में कंपटीशन घट रहा है? स्टूडेंट्स एसएससी के एग्जामिनेशन को देना नहीं चाहते हैं? जो इन्फॉर्मेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई है उसमें जो सीपीओ का अभी हाल में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है 5 दिन में, टोटल 11 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया है। इसमें सबसे पहले बताया कि जो एग्जामिनेशन है सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इसमें जो टोटल जो पोस्ट थी 1557 और समथिंग, हो सकता है आगे जाकर पोस्ट थोड़ी बढ़े। इसमें कुछ 8,20,683 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और जब जो एग्जामिनेशन में जो अपीयर हुए हैं वो सिर्फ 2,32,514 लोग अपीयर हुए हैं। मतलब जो परसेंटेज वाइज हम निकालें तो 28.33%, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। हर बार ये एग्जाम जो ये परसेंटेज था वो 50% के आसपास हुआ करता था, लेकिन इस बार यहाँ पर ड्रास्टिक गिरावट देखी जा रही है और इसका कारण जो कुछ लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नो डाउट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है, कोर्ट केस जिम्मेदार है, प्लस जो स्कैम चल रहे हैं एसएससी में वो सब चीज़ें जिम्मेदार तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टूडेंट जो आजकल के नौजवानों का जो फोर्सेस की तरफ झुकाव कम हुआ है, आप कोई भी वैकेंसीज देखिए, सिविल में जितनी फॉर्म भरे जाते हैं सिविल के लिए जितनी मारामारी है उतनी मारामारी डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं है। वहाँ पर कॉम्पिटिशन सिविल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। उसका कारण है कि नौजवान आज के समय में फौज में जाना ही नहीं चाहता। उसका कारण सिर्फ जो ये स्कैम है यही नहीं बल्कि फौज के कुछ सिस्टम भी जिम्मेदार हैं। आपको पता होगा कि जो फौज का पूरा सिस्टम, जिस सिस्टम पे हमारी डिफेंस फोर्सेस आज काम करती हैं, वो पूरा का पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ है, और तब से लेकर आज तक जो कुछ नाम मात्र के चेंजेस किए गए हैं डिफेंस के सिस्टम में, बाकी सारे के सारे जो नियम चल रहे हैं फौज में आज भी वो अंग्रेजों के ज़माने के चल रहे हैं, जिसका खामियाजा जो निचले तबके के जवान हैं, जो निचले तबके के जो आर्मी मैन हैं, चाहे वो आर्मी हो नेवी हो एयरफोर्स हो, उनको उठाना पड़ता है। आपका अगर आर्मी बैकग्राउंड होगा थोड़ा भी तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। इसके अलावा सब नियम बदले नहीं गए हैं। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोगों ने सीपीओ के थ्रू, मतलब वो जब ट्रेनिंग में थे ट्रेनिंग में ही छोड़ के उसके बाद उन्होंने कुछ उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, भले वो एमटीएस में ही हुआ तो सीपीओ छोड़ के लोगों ने एमटीएस ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम डायरेक्टली सोशल मीडिया पर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जो नियम कानून भारत सरकार को बदलने चाहिए थे समय के साथ वो बदले नहीं गए हैं। इसके अलावा अगर हम रियल कंपटीशन की बात करें, क्या एसएससी में सच में उतना कंपटीशन है जितना हमें दिखता है? एक्चुअली में ऐसा कुछ कंपटीशन ही नहीं। माना कि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो रियल कॉम्पिटिशन है वो 50,000 के करीब है। 50,000 जो लास्ट के बसते हैं जो स्टूडेंट्स हैं इनके बीच ही कांटे की टक्कर होती है। अब हो सकता है कि मेरी इन बातों से बहुत से लोग असहमत हों, मेरी बातों को ना माने, तो उनकी वो थिंकिंग है, लेकिन ये रियलिटी है कि जो कांटे की टक्कर है वो सिर्फ 50,000, जो फॉर्म तो लाखों में भरे जाते हैं लेकिन जो कंपटीशन है वो मात्र हज़ारों में ही है। जो 50,000 लोगों के बीच कांटों की टक्कर होती है, इसमें से जो 10,000-15,000 सीटें होती हैं, हालांकि पहले 15-20,000 वैकेंसीज आती थी लेकिन अभी जो 8,000-10,000 सीटें जो वैकेंसीज आ रही हैं इसमें सेलेक्शन लेना मुश्किल है। तो हो सकता है बहुत से लोगों को ये अपडेट अच्छी ना लगे, तो कुछ बातें कहनी थी तो मैंने कह दी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।